जो बॉबन ने दिखाया वो बहुत बड़ा बात है, क्योंकि इंस्पाइट ऑफ क्या क्या कुछ हुआ उसके साथ जो पिछले साल में जो पुराने टाइम पे वो सब छोड़ के उसने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाया, स्पिरिट दिखाया, फाइट बैक किया हर एक ओड के साथ, ओडो के साथ उसने फाइट बैक किया और अभी फाइनल तक पहुंच गया। और एक शॉकिंग न्यूज था हमारे लिए सबके लिए, जैसे पूरा देश में जितना शॉकिंग हुआ हमारे लिए सबके लिए वही शॉकिंग न्यूज था कि अरे यार आप फाइनल में पहुंच के आप एक दिन आके बोल रहे कि नहीं आपके पास आपको मेडल नहीं मिलने वाला और आप सबसे लास्ट में हो। बहुत ज्यादा इंडियन फैंस आए हुए यहाँ पे, कभी इसके अंदर आने के बाद इंडियन हाउस के अंदर आने के बाद ऐसा नहीं लगा कि हम लोग फ्रांस में है। अभी डेफिनेटली इंडिया का ही एक फीलिंग आ रहा है और लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं, बहुत बड़ा बात है। एंड सेकेंड चीज, बिग डिसअपॉइंटमेंट था हमारा जो सेमी में जब हार गया, बट वापस घर जा रहे हैं मेडल के साथ, वो बहुत बड़ा बात है। तो सब घर हम इधर पांच लोग हैं, बाकी सब चले गए, हम लोग क्लोजिंग सेरेमनी के लिए वेट कर रहा हूँ। और एंड नेक्स्ट कोचिंग, अभी तो एक हॉकी इंडिया से ऑफर आया है, बोला सर से बात हुआ है, अभी घर जाना है, घर वालों से बात करना है, उसके बाद एक अच्छा डिसीजन लेना है। श्रेयस, आज आपका मेडल तो आ गया है, मेडलिस्ट के आप जानते हो कितना इम्पोर्टेंट होता है क्या? विनेश फोगाट का 6 बजे वर्ल्ड कप आने वाला है, अगर उसका मेडल आज उसके घर में आता है तो कितना बड़ा हो जाएगा? देख, जो बॉबन ने दिखाया वो बहुत बड़ा बात है, क्योंकि इंस्पाइट ऑफ क्या क्या कुछ हुआ उसके साथ जो पिछले साल में जो पुराने टाइम पे वो सब छोड़ के उसने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाया, स्पिरिट दिखाया, फाइट बैक किया हर एक ओड के साथ, ओडो के साथ उसने फाइट बैक किया और अभी फाइनल तक पहुंच गया। और एक शॉकिंग न्यूज था हमारे लिए सबके लिए, जैसे पूरा देश में जितना शॉकिंग हुआ हमारे लिए सबके लिए वही शॉकिंग न्यूज था कि अरे यार आप फाइनल में पहुंच के आप एक दिन आके बोल रहे कि नहीं आपके पास आपको मेडल नहीं मिलने वाला और आप सबसे लास्ट में हो। तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए वो चीज को एक्सेप्ट करना, बट स्टिल हम उसके साथ ही है। और डेफिनेटली आज शाम को मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि अरे यार एक पॉजिटिव रिजल्ट आए ताकि हमारे लिए एक सिल्वर गोल्ड का कमी नहीं है। जिंदा है सर, सर ये मेरा टीम का वजह से मिला उस सच में, क्योंकि जो टीम ने मेरे साथ दिया है पहले मैच से लेके लास्ट मैच तक, ये लोगों ने मेरे लिए खेला है। तो जो हम लोग हमेशा बोलते आ रहे हैं कि गोलकीपिंग एक थैंकलेस जॉब है, इसका वजह भी है क्योंकि आपको पता है कि अब जितना भी सेव करो आखिर लोगों ने सिर्फ एक ही बात करता है जो गोल कंसीड किया है, बट प्लेयर्स के बारे में थोड़ा अलग से है। अभी संजय इधर बैठा है, ये लोगों को पता है कि कितना भी गोल तुम लोगों ने मिस करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट आखिर एक गोल मारो तो लोगों का बात वही गोल पे रह जाता है। तो गोलकीपिंग इज बिट टफ है, बट मैं खुश हूँ जहाँ पे मैंने मेरा कैरियर एम किया है, क्योंकि इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए एक कैरियर में। आपने केबीसी में सवाल अमिताभ बच्चन ने पूछा, आपने कहा था कि जो आपका प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है ऐसा उसने आपकी बहुत मदद की है, आप उसकी मदद करना चाहते हैं प्राइमरी आपके डिपार्टमेंट ऐसा, तो अब आप क्या सोच रहे हैं जिस डिपार्टमेंट ने आपको खिलाया उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जॉब है कि बच्चे लोगों को अपॉर्चुनिटी देना। मेरा डिपार्टमेंट जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसमें फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो हम लोग स्कूल के जितना भी बच्चे लोग हैं वो लोग के लिए इवेंट्स कंडक्ट करना है, वो लोगों को नेशनल्स भेजना है। तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि बेस पे जब स्कूल लेवल से बच्चे लोगों को अच्छा फैसिलिटीज मिले, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे आपको फैसिलिटीज देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वहां से और अपॉर्चुनिटीज देना है बच्चे लोगों को, सिखाना है, और सिर्फ सिखाने का नहीं है, वो लोगों को बताना है कि क्या होता है यहाँ पे। ओलंपिक्स नॉर्मल है, हम लोग हॉकी खेलते हैं, साल भर हम लोग हॉकी खेलते हैं, बट जब हॉकी ओलंपिक्स में आने के टाइम आपके ऊपर प्रेशर आता है, तो बच्चे लोगों को सिखाना है कि प्रेशर कैसे हैंडल करना है, और बचपन से वो चीज सिखा के आएगा तो वो लोग को आगे आके बहुत ईजी हो जाता है।